कैसे हो दोस्तों, आशा है कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं आपका दोस्त धर्मराज सिंह अपने चैनल वर्ल्ड लाइफलाइन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर चलूंगा भरेठा गांव, जो मिर्जापुर जिले में पड़ता है। इसी गांव से होकर जैरगो नदी बहती है। इसी गांव में दोस्तों धुई बाबा का समाधि स्थल भी है। उनकी शक्ति पर लोगों को काफी विश्वास भी है। इस स्थान पर आने पर लोगों को बहुत ही शांति और संतोष मिलता है। समय समय पर दोस्तों यहाँ पर लोग मुंडन, शादी विवाह, अनेकों सामाजिक कार्य किए जाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग भी चलते हैं भरेठा गांव धुई बाबा के समाधि स्थल पर, उनके चमत्कारी महत्व के बारे में जानते हैं। यार टाइम तो है ना। पहले तो बहुत जंगल एरिया था, छोटी बारी जंगल का कौन नदी है? जरगो नदी। तो ये नदी हमको लगा तुम वहाँ चल जाला का बगेड़ा का कुतर बगेड़ा बगेड़ी बगही। अच्छा जो नदी निकला ला कहाँ से? जरगो बंधा से। अच्छा जरगो बंधा से, अभी नाम पड़ता जरगो। जरगो बंधा से होके नदी मतलब जरगो ये कहाँ जाके मिला लाई? ये जाके आपके बघेड़ी घाटे। अच्छा वो तो गंगा जी। हाँ गंगा जी मिला। अरे कैसे समोसा मोसा है? समोसा कैसे है? पास कर दो। रास्ता कहाँ चला? सामने रास्ता कहाँ सा होता?
या पंडित जी हूँ। हाँ और पंडित जी नमस्कार, आप लोग पहचान रहे हैं कि नहीं? चेहरा तो पहचान में आवत हो। अरे और लोग को पहचानिए, सब गांव में घर के लोग हैं आपके? हाँ हाँ, सब लोग के बच्चा रहता था। आई कौन सा धाम है ये? धाम श्री सिद्धनाथ धाम धुई बाबा। अच्छा, कर रहे हैं? हमको हो गया आज 24 साल। 24 साल? हाँ, 1998 के। अच्छा अच्छा, तो ये रहते भी आस पास हैं? यही हमारा कुटिया है। अच्छा अच्छा, तो परिवार के साथ रहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सूर श्याम। अच्छा, तो मतलब कि परिवार के साथ रहते हैं और मतलब यही काम करते हैं, मतलब पुजारी वाला काम करते थे? मतलब पहले तो हम पूजा पाठ करावते रहे, अब छोड़ दे, हम नहीं करेंगे। अच्छा, आप आप कौन कराता है? करावे बता तो यहाँ 5-6 बाभन बांध में। अच्छा अच्छा, गऊंगा का। इस समय लिंक है कि नहीं आपका? है? इस समय लिंक है कि नहीं आपका? लिंक है। अच्छा, देख रेख करते हैं? देख देख करते हैं, जैसे मतलब जाके पूजा पाठ कराते हैं ना? पूजा पाठ नहीं कराए, मतलब त्याग दिए हैं। कारण क्या है? कारण समझ में आ गल कि कमाई को ठीक नहीं है। ये कमाई ठीक नहीं, मतलब जो पुजारी वाले काम करते हैं लोग, तो उससे कमाई मतलब गलत है क्या? देखा भाई, सब अपन अपन निगाह है। अच्छा अच्छा, हमारे निगाह में ये समझ वाला कि ठीक नहीं है बस। अच्छा अच्छा, जो मतलब पंडा उंडा लोग हैं यहाँ के या पुजारी जो हैं, जैसे काशी में तो लोग लूटते ही हैं, ये तो हमको मालूम है, लेकिन आपको यहाँ समझ में आया कि यहाँ भी लूटते हैं? लूटते न बान, मतलब कि जब सहूर नहीं बा, गौदानों चाहत बाटे, कुहसा दानों चाहत बाटे, अन्न दानों चाहत बाटे, आधा घंटा में पूजा खत्म हो जाता, जैसा भीड़ बा वैसा काम बा। यानी कहने का मतलब है कि अपना मतलब औपचारिकता मतलब बस कर रहे हैं, पूरा कायदे से कर नहीं रहे? हाँ, कायदे से नहीं होता, अन्न कायदे से कोई सुनहू वाला बा, उन्हों के जल्दी है बाटे। हाँ, जो आ रहा है वह को जल्दी है, जल्दी है उन्हों के, कि ऐसा कि नहीं भीड़ छूट जाए खाए बिना। आप तो मतलब बहुत 24 साल से हैं, तो बहुत कुछ ज्ञात होगा, उसके पहले तो बहुत काफ़ी विकास हुआ नहीं होगा यहाँ पर? ऐसा है कि विकास यहाँ शुरू हुआ 1990 से। अच्छा, एक है भगेलू बाबा रलन नहीं आपका जलालपुर माटी के। अच्छा अच्छा, जब उनका पदार्पण हल यहाँ तो वहाँ से शुरू हल, उसके बाद उन 2 साल बाद चल गए यहाँ से, तब से जब से हमने देखा थी, उसके बाद कमेटी बनल रही यहाँ, कमेटी जब रहे तो काम अच्छा होत रहा। अब ये समय 18 अप्रैल 2018 से यहाँ का सिस्टम गड़बड़ा गल है 3 साल, एक बाद ये पंचवर्षीय योजना में प्रधान भला सुनकर तब से काम ठीक हो। आप किस गांव के रहने वाले? इसी गांव के, भरेटक। भरेटक, तो मतलब आप जैसे कि आप छोड़ दिए हैं, तो बाकी लोग कुछ कर रहे हैं जो, तो मतलब जो कर रहा है अपने अपने श्रद्धा से कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, पूजा पाठ मतलब सब लोग कर रहे हैं, 5-6 लोग हैं, और देख रेख करने के लिए मुखिया है गांव का प्रधान, और एक झाड़ू मारने वाला जगदीश है शर्मा। हाँ, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत देखे आपके करीब करीब 200 साल के पहले के बात नहीं बा। अच्छा, हमने बचपन से जोन बुढ़वा लोगन से सुनत आवल जात बाटे, जानकारी जब से संभारल गल सन 1974 से 75 से, तब से हम लोग देखल जात बा, ओकरे पहले यहाँ कुछ नहीं रहा। 200 साल पहले से मतलब लगभग मतलब लगभग महापुरुष उस समय आए थे यहाँ पर। हाँ, वो जो है ये जो मकान है उसके पीछे एक इमली का पेड़ था। अच्छा, इमली के पेड़ पर उनका निवास था, ये जो गुलंबर आप देख रहे हैं। हाँ, यहाँ धुनी रमाते थे, मतलब कंडी उंडी जला कर खूब धुआं जब निकल जा तो दूधे से बुझवावे और वह तापे, तो कुछ दिन यहाँ रहलन लोग बतावलन पुरनिया लोग, कुछ दिन रहलन तो कुछ औरत औरत आवे लगली, तो महाराज जी कहलन कि भाई अब हमारे रहने का स्थान नहीं रह गया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो भंडारा का आयोजन कैलन। भंडारा के आयोजन में आदमी बहुत तेज आई, तो इमली के पेड़ चरचराए लगल, तो गिरे के स्थिति में पंगत वही बैठल रहा, तो लोग कहलन तो महाराज जी इशारा कैलन, आदमी घूम गई दूसरे तरफ, और जब पूरा कार्यक्रम खत्म हो गल तो लोग छेकले रहे बाबा जी की जाए न दौल जी, लेकिन बाबा जी गायब हो गए, कोई देख ले नहीं, तो उन्हीं के नाम पर है ये? हाँ, उन्हीं के नाम पर है। और उनका मतलब जानते थे कि मतलब उनका नाम हरसू था क्या नाम? नहीं नहीं नहीं, उनके नाम कोई पता नहीं है कि का नाम, लेकिन ऐसे नाम पड़ गया धुनी रमायण थी, इसलिए धुई बाबा लोग अच्छा धुई रमायण करते थे, उसी के नाम पर उनको धुई बाबा करने लगे। और हरसू ब्रह्म धाम क्या है ये?
पूरा नाम? अरसुभरम धाम तो आपके वहाँ बिहार में ना। अच्छा हाँ, वहाँ सुने हैं, वहाँ भूत प्रेत वाला काम होता है। और यहाँ पर? यहाँ ये सब काम लगता है, यहाँ एकदम सात्विक विचार के काम होता है। तो वास्तव में यहाँ क्या नाम है? वास्तव में बता तो दिली आपको कि भूमि बाबा नाम पड़ल बाटे, उनका असली नाम का रहल, कौने नाम से प्रचलित रहन की कोई नहीं जानता। बस यहाँ पर आएंगे तो भूमि बाबा के नाम से लुगा के अपने श्रद्धा करते हैं लोग। दूध उध चढ़ल मतलब कंडी जला के जे जानत बा अपन, जब धुआं निकल ली तो ओके दूधे से भिजवा दिलत। अब कथा पुराण ब्याह शादी सब कुछ होने लगल यहाँ तो लगातार। उसके बाद तो जगमग जगमग करी रहा, लोग आते जाते हैं, विकास भी काफी हो गया। विकास तो बहुत अधिक हुआ। पंडित जी कथा से काहे हटा देल भैया? पंडित जी कुल मजदूरी डालिन बादाम खाने। अच्छा अच्छा, एक मिला के रख देल। अच्छा अच्छा, पूरा बात बतौलन नहीं, आप पूरा बात बाल कुल बतैहन। आपन चीजा तो बतैबे न करी हैं, जन बुराई हो बतैहन। यही से वहां से इनके पंडित जात हो के ये तरह कर्म के जान हटा देल। चलाओ ये कौन सिस्टम है? गोबर गैस। अच्छा, अपना मतलब गैस, खाना पीना, लाइट पाइट सब व्यवस्था हो गई इससे? खाना पीना हाँ। अच्छा, ये कौन सा गांव है? भरेठा। भरेठा पंडित जी अपन पतन के मीर रहबे करी ला, तो भरेठा गांव है। बाडू वीर बाबा गेट है। यहाँ से थोड़ा दूर तक दिखा सकते बनल केहू देले हुई घर दान। अच्छा, सामने ना
पूरा एकदम टस टस काफी जगह निकल गल बा की देख कौन करता है? आप ही करते हैं? क्या नाम है आपका? संजय। अच्छा, कहाँ रहने वाले हैं? जी, इसी जगह भरेटा। भरेटा रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि यहाँ तो हमेशा भीड़ रहता है जी। तो कब से यहाँ पर देख देख कर रहे हैं? ये जो नया प्रधान हुए हैं वही आपको मतलब रखे हैं? अच्छा, पहले कमेटी चलती थी। तो यहाँ देख देख में क्या क्या करते हैं आप लोग? हैं यही झाड़ू पोछा लगाते हैं हम लोग देख देख में, मतलब। और जो मतलब जो यहाँ के ब्राह्मण हैं लोग, उन लोग तो कथा करते हैं। अच्छा, वो लोग अलग अलग गांव के हैं? नहीं, इसी गांव के। अच्छा, इसी भेटा ही गाँव। आपका कथा है तो कोई और पंडित को लिया है तो कोई मना ही नहीं है। कैसा लगता है मतलब जो मतलब जैसे ये भूमि बाबा है ना, तो मतलब लगता है दिल से कि कोई शक्ति है? तो लगता है मतलब दिल से कि भूमि बाबा है। अच्छा, इतना दूर दूर से आदमी आ रहे हैं तो कोई रूपरेखा नहीं है मतलब? क्यों नहीं, रूपरेखा नहीं है। पहले बाबा थे बताने के, हमें बाबू दादा को बताने के हिसाब से अभी संभव थे दाढ़ी मोछा वाले, वो मतलब कि यहाँ जा कर रहे थे तो अभी मतलब कि वो अपना आनी आ गई, आनी आ गई तो एक इमली का पेड़ था यहाँ, तो जब चचरा के टूटने लगा तो महात्मा बोले कि बस समर जाओ, उसी पर वो इमली का पेड़ टूटा था लेकिन वो भी जुड़ गया उसी में लटक कर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मेहरारू आई, मेहरारू आई तो मतलब मेहरारू से घिड़ा कर रहे बोले, घिड़ा करते कि हमारे पास नारी न आवे और नर आवे पूजा करने के, तो नारी पहुंचने लगी तो मतलब नारी से घिड़ा किए तो उसी जगह समाधि। हाँ, मतलब कोई का चित्र वहाँ पास है नहीं, बस सिर्फ वहाँ का राख है, वो मंडप का सिर्फ राख है। प्रधान थे ऐसा मतलब जैसे पीपल का पेड़ है या जो भी है, यहाँ पास सिर्फ जगह कहाँ पर समाधि लिए थे वो, किस स्थान पर लिए थे? जहाँ पे वो गोलंबर है उसी जगह, मतलब वो जो स्थान है। अच्छा अच्छा, नीचे से जाएंगे तो वहाँ का तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत दूर दूर से। तो अब हमेशा भीड़ रहता है? भीड़ हमेशा रहता है, 8 महीना 9 महीना भीड़ रहता है। तो आप मतलब कि यहाँ पे लोग दादक्षिणा भी करते होंगे, जैसे बना बना है तो उन्हीं के पैसे से जो दिए? हाँ, उन्हीं के पैसे से बिगड़ा बना हुआ रिपेयरिंग होता है, जैसे रंग पेंट हुआ और जैसे चौतरा हो गया या और वगैरह हो गया। अच्छा, कुछ और कुछ कहना वाना नहीं है मतलब कि और कुछ चाहिए मतलब कि ये चीज़ होना चाहिए यहाँ पर? तो जो पब्लिक देता है वो बनता है। नहीं, आपके मन से कुछ और ऐसा चीज़ हो यहाँ पर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जैसे हम लोग का विचार है कि यहाँ सीसी कैमरा लग जाए और दो चार चार्जर लग जाए बड़ा वाला। अच्छा, वाला रोशनी के लिए? रोशनी के लिए। अच्छा, अच्छा लगेगा। अभी तो लाइट उठ है ना? अभी तो लाइट है, सब लगा है पूरा लाइट, हर कमरे में पंखा है, अभी जो पंखा मतलब अभी बाकी है वो लगने वाला है। अच्छा, मतलब कि जो विकास हो रहा है सही हो रहा है? जो प्रधान जो है विकास सही करा रहे हैं? सही करा। पहले के जो प्रधान थे यहाँ के लोग बाजा था, बाजा का विकास सही हो रहा है यहाँ का। इसमें वर्तमान विधायक मतलब ये कौन है मतलब प्रधान? सोनकर है। सोनकर, पूरा नाम बताइए। भोला सोनकर। हाँ, कहाँ के रहने वाले? इसी भरेटा के हैं? कहाँ के रहने वाले? इसी भरेटा के। अच्छा, गरीब समय फिलहाल प्रधान है गरीब, उसके पद से हम लोग भी टूटे हैं। वही वही वाला पीपल का पेड़ सब वाला था ना? बरगद का है। बरगद का है ये? बरगद का है, वो अगला पीपल का। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब उसी जगह मतलब हुआ था, असली वही है सामने जो। हमने कहा मीडिया वाले हैं क्या? हाँ।
बजावा। ये धीमा बोलो। ऐसा तो पिकनिक मनाया जाता है। हम लोग गोलकुंड में बैठे सर। एक सीन ले ले फोटो बना। मुझे सामने सब बाहर है एकदम मंदिर तक का वाला। अच्छा अच्छा ठीक है। वो जो गाय करे थे ना हाँ सब मतलब बाढ़ आता है तो पूरा डूब जाता है। कितना का पेड़ है ये? अरे जंगली कोहू का है लकड़ी। बहुत काफी कई तरह का पेड़ है अंदर। हाँ भैया चिलबिल नहीं चिलबिल है। चिलबिल है चिलबिल जंगली चिलबिल होता है। चिलबिल तो इसमें फल लगता ही होगा। फल नहीं लगता बस छाँव के लिए है बढ़िया। हर चीज इतना खतरनाक होती और मस्त ना बाटी उटी जम के बन रहा है।
नमस्कार। अरे नहीं ना थकब। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक है। के काम कहीं काम थे कब आए हैं? आए? अच्छा अच्छा निधि होता है निधि ना है का है? हाँ वो बात सब क्या नाम है जी तुम्हारा? अरे हेलो, अरे क्या नाम है? टाटा टाटा बोलो। क्या नाम इसका रखे हैं? आर्या सिंह है? आर्या सिंह। आर्या सिंह। और ये कौन है बड़ी वाली? वो सीनू सिंह। अच्छा वो बड़ी वाली होती। अच्छा आपकी बड़ी वाली। क्या नाम जी तुम्हारा? परी। हैं? परी। परी नाम है। आपको पहचान रही हो? ऊपर देखो, ऊपर ऊपर पहचान रही हो? नहीं पहचान रही। और तुम कौन सी क्लास पढ़ती हो? फाइव। फाइव में क्या नाम है? सीनू सिंह। सब सही है ना? हाल चाल ठीक है तुम लोग का ना? बोलो रिकॉर्डिंग में बोलो। इधर देखो इधर देखो इधर देखो। बहुत बढ़िया। इधर देखो बोलो। अरे इधर आओ छत पे। चला के ऊपर जाओ जाओ छत पर जाओ। आएगा आएगा नीचे आएगा 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 ले लो। तुम्हारा उड़ जा रहा है ऊपर है छत पर उड़ रहा है पकड़ लो। पानी हो कब कौन है साहब? मेरा नाम राहुल सिंह। रवि कुमार सिंह। अरे तो आस पास के तुम लोग हैं? बैरमपुर मेरा घर है। बैरमपुर घर ना तो ये लोग आस पास के लोग हैं ना? अरे पहचानिए आपको। अरे तो कितना लोग पैर छू रहे हैं तो हमारा तो मोबाइल देख रहे तो फोटो आपको कहाँ समझ में आ रहा था? क्या हाल चाल है? सब सही भी उतरा है ना? अच्छा सुबह सब्जी रोटी और दोपहर में चावल दाल। चावल चावल दाल। और शाम के सब्जी रोटी और दूध। बड़ा मेहनत करते हो भाई। बड़ा मेहनत वाला काम है।
अकेले बना के भी मतलब कि चावल दाल रोटी सब्जी चावल दाल मुझे काम है बाबू तंदुरुस्ती का है तंदुरुस्ती बरकरार रखे तो ऐसे वो जो है हेडेक नहीं मालूम होता उसकी कौन है ये तक वाला भाग है ये पुराना बहुत पहले का यही तो हम बैठे यही बैठे कुत्ता बदल गया अब मौका नहीं मिलेगा बनाने का मौका नहीं मिलेगा मोटर गाड़ी सब तो है यहाँ पे अपना पर्चा लेते जाइए हम तो संबोधन करते क्या बोल रहे हैं तो आप ही बोल दीजिए चलिए सर जल्दी फुटिए हो जाए अपना हाथ तो नहीं जा दीजिए
ये जितना बोले उतनी दोबारा दोहरा दीजिए। अच्छा, ये जो सीरनाथ की जो दरी है जो आगरानंद आश्रम आगे पड़ता है उसी स्थान पर एक सीरनाथ नाम के जो है कि सिद्धि पुरुष रहते थे, उन्हीं का नाम था सिद्धनाथ। तो वहाँ से जो वो अपना समाधि अपना जो भी कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उसमें उनको वहाँ के जंगल की एरिया थी, वहाँ पर उनको सब सियार खा गए। जब सियार खा गए तो उनका पैर जो है सब सियार ही जंगल के समय था, ये उस जंगल में से सियार इसी तरह उनका पैर लेकर यहाँ पर चला आया। जब पैर लेकर यहाँ पर आ गया तो इसी जगह इसका नाम पड़ गया धुइयां बाबा और वहाँ सिद्धनाथ दरी। तभी से मतलब यही इतिहास है, इसका इतिहास है, ये धुइयां बाबा और सिद्धनाथ दरी का दोनों इतिहास है। वहां से मिल लेंगे तब ऐसा है। दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक सफर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय धुई बाबा की।